हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ क्रोशे का एक और नया डिज़ाइन। ये देखिए, ये डॉयली का डिज़ाइन है, स्मॉल डॉयली इसे बोल सकते हैं, या फिर आप कोस्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप टिकिया बना बना कर उन्हें अटैच कर कुछ भी बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अटैच करना है, यहाँ पर और यहाँ पर अटैच करके आप टॉप भी बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं, थाल पोज बना सकते हैं, टेबल कवर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4 ply ऊन ली है और 3 mm का क्रोशिया लिया है। सबसे पहले स्लिप नॉट लगाएंगे, इस तरह गोल रिंग बना के धागे पे रखेंगे और क्रोशिया की मदद से उस धागे को निकालेंगे और खींच देंगे और 6 chain बनाएंगे। और सबसे पहले वाली चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये रिंग बन गई, अब इसी में वर्क करेंगे। अब हमारा पहला राउंड है, इसमें हम 3 chain बनाएंगे। 3 chain को भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे और इस रिंग में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह पहले धागा लपेटेंगे क्रोशिया पे, फिर रिंग में इंसर्ट करेंगे, 2 loop से निकालेंगे, फिर 2 loop से। ये देखिए, बहुत ही आसान है इसे बनाना, डबल क्रोशिया बनाना। 23 डबल क्रोशिया हम इस रिंग में बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह बनाते जाना है। इसे मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मैंने कंप्लीट कर लिया, 23 डबल क्रोशिया बनाया है और 3 chain को ऐड करेंगे तो 24 हो जाएंगे। अब सबसे पहले जो 3 chain बनाई थी उसकी 3rd chain में स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम 3 chain बनाएंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशे में एक हाफ फिनिश डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह इंसर्ट करके धागा घुमा के निकालेंगे और 2 loop से निकालेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे में भी हाफ फिनिश डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह 2 loops निकालेंगे। अब इनमें से एक साथ धागा निकालेंगे इस तरह, फिर 4 chain बनाएंगे और नेक्स्ट 3 double crochet में फिर से हम हाफ फिनिश डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया आधा आधा बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह 3 double crochet में 3 half finish डबल क्रोशिया। देखिए, अब इनमें से एक साथ धागा निकालेंगे, ये क्लस्टर बन गया। फिर 4 chain बनाएंगे और नेक्स्ट 3 double crochet में लगातार 3 half finish डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक डबल क्रोशिया में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 3 double crochet में। ये देखिए, इस तरह अब इनमें से एक साथ धागा निकालेंगे। ये देखिए, ये राउंड हमारा इसी तरह बनेगा, 3 3 half finish डबल क्रोशिया और बीच में 4 chain। इसे मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया और लास्ट में 4 chain भी बना ली है। अब सबसे पहले वाले क्लस्टर में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड में जाने से पहले ये 4 chain में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट राउंड शुरू होगा। 3 chain बनाएंगे और इसे भी हम डबल क्रोशे में काउंट करेंगे और इसी जगह सेम स्पेस में हम 6 double crochet बनाएंगे और चेन 3 को मिलाएंगे तो 7 double crochet हो जाएंगे। देखिए, इस तरह बनाते जाना है, 6 double crochet बनाने हैं। ये हो गया। ये देखिए, अब एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन 4 की स्पेस में फिर 7 double crochet बनाएंगे। तो
चार, पांच, छः और ये लास्ट सेवन, सातवां। सात डबल क्रोशिया हम चेन फोर की स्पेस में बनाएंगे और फिर चेन वन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चेन फोर की स्पेस में भी सेवन डबल क्रोशिया बनाएंगे। बहुत ही आसान है ये राउंड, ये देखिए। इसे भी मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मैंने कंप्लीट कर लिया, ये देखिए। लास्ट में एक चेन बनाएंगे और सबसे पहले जो थ्री चेन बनाए थे उसकी थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड जाने से पहले नेक्स्ट डबल क्रोशिए में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ से हमारा नेक्स्ट राउंड शुरू होगा। पहले थ्री चेन बनाएंगे और इसे भी हम डबल क्रोशिए में काउंट करेंगे, ये देखिए। और ये जो नेक्स्ट चार डबल क्रोशिया हैं इनमें एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चार डबल क्रोशिए में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। चार डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक हो गया, ये दो, ये तीन और ये चार। चार डबल क्रोशिया हो गए। अब ये लास्ट वाला हम स्किप करेंगे और सबसे पहले जो थ्री चेन उसे भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, उसे भी स्किप करेंगे। अब यहाँ थ्री चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन वन की स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर थ्री चेन बनाएंगे और ये सेवन डबल क्रोशिया जो हमने बनाए थे इसका पहला और आखिरी डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे और बीच में जो पांच डबल क्रोशिया हैं उनमें हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक पहला स्किप करके सेकंड वाले से स्टार्ट करेंगे, फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गया, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच। पांच डबल क्रोशिया बनाने हैं, ये देखिए। लास्ट वाला भी स्किप करेंगे, फिर थ्री चेन बनाएंगे और चेन वन की स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर थ्री चेन बनाएंगे और पहला और आखिरी डबल क्रोशिया स्किप करके बीच में जो पांच डबल क्रोशिया हैं उनमें एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहला वाला स्किप करेंगे, नेक्स्ट से शुरू करेंगे, फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे लगातार। ये देखिए, ये फाइव हो गए। ये लास्ट वाला हम स्किप करेंगे, फिर थ्री चेन बनाएंगे और चेन वन की स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम थ्री चेन बनाएंगे और इसी तरह हमारा राउंड बनेगा। इसे भी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, कंप्लीट हो गया मेरा। थ्री चेन बनाएंगे और चेन वन की स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से थ्री चेन बनाएंगे और जो सबसे पहले थ्री चेन बनाए थे उसकी थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये देखिए, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड में जाने से पहले चेन थ्री को स्किप करके और जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ से हमारा नेक्स्ट राउंड शुरू होगा, क्योंकि हम पहला स्किप करते हैं ना, उसीलिए नेक्स्ट से शुरू करेंगे। थ्री चेन बनाएंगे, उसे भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया में जो दो डबल क्रोशिया है उसमें एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो। इस राउंड में तीन डबल क्रोशिया ही बनेंगे। पहला
और लास्ट वाला हम स्किप करेंगे। ये देखिए तीन डबल क्रोशे बने हैं। फिर हम थ्री चेन बनाएंगे और चेन थ्री की स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चार चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन थ्री की स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह। अब फिर थ्री चेन बनाएंगे और इस राउंड में भी हम पहला और लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उसे स्किप करेंगे। बीच में जो तीन डबल क्रोशिया है उनमें एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट वाला स्किप करेंगे, सेकंड वाले से लगातार तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये दो और ये तीन डबल क्रोशिया बन गए। देखिए और फिर थ्री चेन बनाएंगे और ये लास्ट वाला स्किप करेंगे डबल क्रोशिया और चेन थ्री की स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर चार चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन थ्री की स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से थ्री चेन बनाएंगे और जो नेक्स्ट हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं दोनों का फर्स्ट और लास्ट स्किप करके बीच में तीन डबल क्रोशिया हम कंटिन्यू बनाएंगे। एक, दो और ये तीन, ये हो गया। फिर थ्री चेन बनाएंगे और चेन थ्री की स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर चार चेन बनाएंगे, यहाँ पे हम चार चेन बनाएंगे और चेन थ्री की स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड हमारा इसी तरह बनेगा। ये देखिए बहुत ही आसान है, इसे भी मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कंप्लीट कर लिया और लास्ट में थ्री चेन भी मैंने बना ली है। अब जो सबसे पहले वाला थ्री चेन बनाए थे उसकी थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब यहीं से हमारा नेक्स्ट राउंड शुरू होगा। पहले एक चेन बनाएंगे और सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब थ्री चेन बनाएंगे और जो ये थ्री डबल क्रोशिया हमने बनाए थे उसके मिडिल वाले बीच वाले डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मिडिल वाले डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर थ्री चेन बनाएंगे और चेन थ्री की स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो तीन चेन बनाए थे वहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह बनेगा। अब जो हमने चार चेन बनाए थे प्रीवियस राउंड में वहाँ पर हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक, दो, तीन, ये चार डबल क्रोशिया हो गए। चार डबल क्रोशिया हो गए। अब थ्री चेन बनाएंगे, अब फिर से चार डबल क्रोशिया सेम स्पेस में बनाएंगे, चेन फोर की स्पेस में। एक, दो, तीन और ये चार, ये हो गया चार डबल क्रोशिया। देखिए चार डबल क्रोशिया बनाए, फिर थ्री चेन बनाए, फिर चार डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे जैसे सिंगल क्रोशिया बनाया था चेन थ्री में, उसी तरह इधर भी चेन थ्री की स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह बनेगा। फिर से थ्री चेन बनाएंगे और ये मिडल वाले डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। थ्री डबल क्रोशिया कंटिन्यू है, उसके बीच वाले डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया। फिर थ्री चेन बनाएंगे
और चेन 3 की स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से चेन 4 की स्पेस में हम 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया, ये 2 और ये 3 और ये 4, 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब 3 चेन बनाएंगे, 2 3, 3 चेन हो गए, फिर से 4 डबल क्रोशिया इसी जगह बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4, 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब चेन 3 की स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरह बनते जाएगा, ये देखिए। इसे भी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इसे मैं आपको यहाँ पर 3 चेन बनाना है, यहाँ बीच में जो डबल क्रोशिया वहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन और सिंगल क्रोशिया, इसे मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया और ये जो 4 डबल क्रोशिया, 4 3 चेन 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब जो सबसे पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, ये देखिए इस तरह, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे और बैक साइड में अच्छी तरह नीट एंड क्लीन इंसर्ट कर देंगे। इसे भी अच्छी तरह घुमा के, अच्छी तरह घुमा के इंसर्ट कर देंगे। मैं करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इंसर्ट कर लिया, देखिए कितनी खूबसूरत स्मॉल डॉयली है या मोटिफ बोल सकते हैं, इसे आप अटैच करके कुछ भी बना सकते हैं। इस तरह आप रंग बिरंगे भी बना सकते हैं, सेम कलर का भी बना सकते हैं, टेबल कवर, थाल पोस, कुछ भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।